नमस्कार मित्रों, आजना वीडियो में आपणे जोईशुं के मोंघवारी 31% प्रमाणे थई गई छे त्यारे पगार बिल भरती वखते पगारमां 3% मोंघवारी केवी रीते एड करीशुं अथवा तो मोंघवारी केवी रीते बदलशुं ते जोईए। सौथी पहेला तमारे पगार बिलमां जईने पगार भरवानो छे। पगार पत्रकमां जईने पगार बिल जे जेनो पगार भरवो होय त्यां आपणे क्लिक करीशुं। मानी लो के अहींया मूल्यवर्धितमां आपणे टिक करशुं। अहींया तमे जोई शको छो 31% मोंઘવારી अपडेट थई गई छे। हवे आपणे 3% जे मोंઘવારી एड थई छे एने पगारमां केवी रीते बदलशुं। शरूआतमां आपणे अहींया जे पहेला शिक्षकनुं खानुं छे त्यां आपणे कर्सर राखीशुं। कर्सर राख्या पछी आपणे कॉम्प्यूटर में जो करता होइए तो टैब की प्रेस करशो अने मोबाइल में जो करता होइए तो एंटर की प्रेस करशो। जो अहीं आपणे जोईए एंटर की जेम जेम हूँ प्रेस करूँ छूँ तेम आगळ जवाथी मोंઘવારી ऑटोमेटिक अहीं बदलाई जाए। त्यारबाद आपणे आगळ ज जवा दईशुं। आ रीते ऑटोमेटिक सीपीएफ पण ए रीते थई जशे। તમે જોઈ રહ્યા છો એ રીતે ત્યારબાદ બીજા નંબરના શિક્ષકનું મોંઘવારી આપણે એ જ રીતે અપડેટ કરીશું। ખાનામાં આપણે કર્સર રાખવાનું છે ત્યારબાદ ટેબ કી અથવા તો એન્ટર કી પ્રેસ કરવાની છે તો ઓટોમેટિક અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મોંઘવારી અપડેટ થઈ જાય છે। કોઈએ મેન્યુઅલ સુધારવાની નથી, ફક્ત ટેબ કી અથવા તો એન્ટર કી પ્રેસ કરવાની છે। सीपीएफ पण ऑटोमेटिक एनी जाते ज बदलाई जाए छे। तो आ रीते मित्रों तमे मूल्यवर्धित के ऑर्डिनरी के विद्यासहायक में तो लागू पड़तुं नथी, एटले मूल्यवर्धित अने ऑर्डिनरी में पगार बिल भरो त्यारे फक्त ने फक्त कर्सर राखी अने एने टैब की अथवा तो एंटर की प्रेस करीने पगार बिल सेव करी शको छो। तो आ रीते मित्रों तमे 3% जे मोंઘવારી एड थई छे ते अपडेट थी जैसे। आभार मित्रों।